आपके जो कार्यक्रम हो रहा है इसके पीछे वजह है कि शान हिमाचल जैसा कि कार्यक्रम का नाम, तो हिमाचल प्रदेश के उन विभूतियों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित किया, हमें गौरवान्वित महसूस होने का एक मौका दिया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे आज जिनको हम कार्यक्रम में सम्मानित करने जा रहे हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य जी लेखराज शर्मा जी, हमारे DSP सर हैं रविंद्र ठाकुर जी, इसके अलावा हमारे सुनीता चंदेल जी है, एक हिमाचल की बेटी उत्तराखंड में जाकर USA में अम्बेसडर बनी है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रतिभाएं हैं। आज के जो मुख्य तौर पे कार्यक्रम का जो मेरा उद्देश्य था, हम हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता था कि हमारी हिमाचल की जो कलाकार प्रतिभाएं हैं वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं, तो आज मुझे लग रहा था कि हमें अपनी संस्था को जब मैंने बनाया था तो संस्था के माध्यम से मैंने कोशिश करी उन छुपी हुई प्रतिभाओं को एक मंच दिलाने की। तो हमारे पहला भी एक कार्यक्रम हुआ था चिंतपूर्णी में, पहले 2016 में 8 अगस्त 2016 को इस संस्था का मैंने गठन किया था। आप लोगों के असीम प्यार ने पूरे प्रदेश भर में जहाँ जहाँ भी हमने जो जो भी आयोजन करवाए अभी तक अधिकतर सफल रहे हैं, और आज का कार्यक्रम मुख्य तौर पे हम उन विभूतियों को सम्मानित कर रहे थे, साथ ही ऐसी छुपी हुई प्रतिभाओं को एक मंच दिलाना था। संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे हमारे हिमाचल प्रदेश की जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं जिनको मंच के दबाव में कई बार मंच नहीं मिल पाने के कारण उनकी प्रतिभा जो है घर के अंदर दबके रह जाती है, तो हमारी कोशिश है कि उन प्रतिभाओं को एक मंच दिलाएं। अभी हम एक और कार्यक्रम 15 नवंबर के बाद एक और मैं कार्यक्रम लेकर आ रहा हूँ, का मॉडलिंग का एक कार्यक्रम होगा, और उस कार्यक्रम में भी हम कोशिश करेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश की मॉडल जिनको कह सकते हैं, मॉडलिंग के शो अधिकतर अक्सर आपने देखे होंगे होते हैं, परंतु हम पहली बार मॉडलिंग को एक अलग नजरिए से लोग देखें और हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास में उन मॉडलों की भूमिका हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं, और हम कोशिश करेंगे मॉडलिंग शो के माध्यम से कि हिमाचल प्रदेश के जो पर्यटन है, पर्यटन को लेकर हमारे हिमाचल प्रदेश के जो धार्मिक स्थल हैं उनको उसमें एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई जाए ताकि हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे विश्व भर में चमके। क्या मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी जगह तो नहीं, पर लोगों का प्यार है और लोगों का स्नेह है जिसके कारण मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं कार्यक्रम लगातार करवाता रहता हूँ। लोगों का प्यार मिलता है, जब कुछ अच्छा करते हैं तो हमारी संस्था को लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और उनका मार्गदर्शन होता है। इसी के कारण जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं या होने वाले हैं उन सबके पीछे अगर किसी को श्रेय जाएगा तो वो लोगों को जाता है, वो वहाँ की यहाँ का जिस भी कार्यक्रम को हम करवाते हैं, मुझे लोगों का मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मुझे जहाँ पे भी जो भी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो लोगों का सहयोग खुल के मिलता है। इसी कारण हम हिमाचल प्रदेश के उन नौजवान युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं ताकि हिमाचल प्रदेश का युवा आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम और चमक बिखेरे और हमारे हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित होने का एक अवसर मिल पाए।